15 साल से रोड निर्माण की राहत देख रहे ग्रामीणों के लिए शोचनीय बना निर्माण कार्य। बसेड़ी से सैपो के लिए जाने वाले मुख्य मार्ग जो कि बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों को एक कस्बे से जोड़ता है, वो लोगों के लिए पिछले 15 वर्षों से तो एक समस्या का जड़ ही बना था, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है उस पर मौजूदा समय में चलता हुआ कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का आरोप है कि एक बार घटिया किस्म की सामग्री के प्रयोग के लिए पूर्व में रुक चुका था काम, लेकिन दोबारा शुरू किया तो उससे भी घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीण रामकिशोर शर्मा ने बताया कि ये रोड कई गांवों को मुख्य बाजारों से जोड़ता है और इससे ट्रैफिक ज्यादा रहता है, लेकिन वर्तमान समय में जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही शोचनीय विषय है। ग्रामीणों ने बताया कि इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से लंबे घोटालों के चलते काम सही से नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों ने बताया कि समय रहते अगर काम सही नहीं किया जाएगा तो वो जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देंगे और इस तरह कार्य का विरोध करेंगे। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों का कहना है कि कार्य को मौके पर देखा गया और जो कमियां लोगों ने बताई है उनको समय रहते दूसरी लेयर पर सही कर दिया जाएगा। ये नाली आ रही है, इसमें डामर की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, देखो रेत की तरह ये गिट्टियां अलग अलग हो रही है। डामर की मात्रा कहाँ दिखाई दे रही है आपको? डामर, अगर इसमें डामर होता है तो गिट्टियां इस तरीके से फट जाती है कि एक व्यक्ति अगर इसमें घुस जाता है तो वो निकल नहीं सकता है। आपको कहाँ इसमें डामर दिखाई दे रही है? कांग्रेस की दूसरी सूची में राजाखेड़ा विधानसभा से वर्तमान विधायक रोहित बोहरा को टिकट दिया गया। रोहित बोहरा को टिकट दिए जाने की बाद उनके समर्थकों में खासा उत्साह है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे रोहित बोहरा ने भाजपा के प्रत्याशी अशोक शर्मा को 14,991 वोट से हराया था। राजाखेड़ा सीट से भाजपा का प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया गया। भाजपा प्रत्याशी की दावेदारी की दौड़ में नीरजा अशोक शर्मा सबसे आगे नजर आ रही हैं। हालांकि भाजपा की टिकट के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व डीजी पवन जैन और राजाखेड़ा विधानसभा से साल 2018 में बसपा के प्रत्याशी सोवरन सिंह गलेथा भी अपना दावा ठोक रहे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 1,95,633 वोटर्स में से 1,42,022 वोटर्स ने मतदान किया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी रोहित बोहरा को 76,278 वोट मिले, जबकि उनके सामने भाजपा प्रत्याशी अशोक शर्मा को 61,287 वोट मिले। रोहित बोहरा पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह के पुत्र है, जो कई बार राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रह राजस्थान सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। राजाखेड़ा विधानसभा में सबसे अधिक बोर्ड राजपूत समाज के करीब 40,000 माने जाते हैं। इसके बाद ब्राह्मण और जाटव समाज के करीब 25,000 वोट है। राजपूत और ब्राह्मण समाज के वोट के अलावा राजाखेड़ा विधानसभा में कुशवाहा, गुर्जर, लोधी, निषाद, त्यागी सहित अन्य जातियों के वोट भी अच्छी खासी संख्या में है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में अवैध शराब की भारी मात्रा में धरपकड़। पिछले 24 घंटे में 11 प्रकरण दर्ज कर 1497 अवैध देसी शराब के पौवे, 24 बियर की बोतल की बरामद। नाकाबंदी के दौरान वाहन चेकिंग में अलग अलग स्थानों से गाड़ियों से कुल 10,45,000 रुपए की संदिग्ध राशि भी की है जब्त। खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में मानस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नव दुर्गा एवं दीपावली के उपलक्ष में लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान। एलईडी, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, एसी की खरीद पर निश्चित उपहार फ्री पाए। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, कुर्सी, फ्रिज, एलईडी, एलसीडी, सिलाई मशीन, मिक्सी, अलमारी, गद्दे, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि का सामान उचित रेट पर मिलता है। हमारे यहाँ शादी पार्टी एवं विवाह का फर्नीचर ग्राहक की मनपसंद से भी तैयार किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर आपके जाने पहचाने अजय मित्तल, तसीमो वालों का शोरूम। मोबाइल नंबर 78770609049।
राजाखेड़ा रिटर्निंग अधिकारी ने अधिकारियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ली बैठक, नाम निर्देशन के संबंध में दिए निर्देश। कस्बे में रिटर्निंग अधिकारी राजाखेड़ा के द्वारा नाम निर्देशन के संबंध में नाम निर्देशन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रिटर्निंग अधिकारी राजाखेड़ा SDM देवी सिंह ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए दिनांक 30 अक्टूबर 2023 से नॉमिनेशन संबंधी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी दिनांक 30 अक्टूबर 2023 से दिनांक 6 नवंबर 2023 तक शेष दिवसों में प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक SDM कार्यालय राजाखेड़ा में अपना नॉमिनेशन RO के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर 2023 को नॉमिनेशन फॉर्मों की समीक्षा की जाएगी। वही दिनांक 9 नवंबर 2023 को कोई भी अभ्यर्थी अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले सकता है। नॉमिनेशन फॉर्म हेतु ₹10,000 प्रतिभूति राशि होगी। SC ST वर्ग के लिए प्रतिभूति राशि ₹5,000 होगी। SDM ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधाएं भी प्रदान की गई। ऑनलाइन करने के बाद अभ्यर्थी को ऑफलाइन दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। नॉमिनेशन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रविष्टियां सही भरने के बारे में अवगत कराया। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नॉमिनेशन फॉर्म भरने के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए हेल्प डेस्क का गठन किया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के दौरान कोलारी थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही। कोलारी थाना प्रभारी मान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को बसई नवाब चेक पोस्ट बॉर्डर पर बसई नवाब की तरफ से आई एक सफेद रंग की हुंडई कार, जिसका नंबर KA43M7365, नाकाबंदी के दौरान 2.5 लाख रुपए की नकदी जब्त की। जब कार चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मुरलीधर पुत्र जयवीर शर्मा निवासी ककुआ थाना मलपुरा जिला आगरा बताया और साथ में बैठे व्यक्ति से पूछा तो उसने अपना नाम सुरेश चंद्र तिवारी पुत्र रामजीलाल तिवारी उम्र 58 साल निवासी सिविल लाइंस झांसी थाना सीपरी बाजार जिला झांसी बताया। जब कार चालक से गाड़ी के कागजात मांगे तो उसने गाड़ी की RC और लाइसेंस दिखाए और गाड़ी चेक करने के लिए कहा तो उसने पीछे रखे सामान के बारे में बताया कि ये सुरेश चंद्र जी का है। उसमें एक बैग था जिसमें एक पीले रंग का लिफाफा मिला जिसमें 2.5 लाख रुपए रखे हुए थे। जिनके बारे में पूछा कि कहां ले जा रहे हो और किसके लिए ले जा रहे हो तो कार चालक और साथ में बैठा व्यक्ति कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और ना ही कोई रुपयों के बारे में विवरण दे पाया, जिसे उक्त राशि को जब्त किया गया। दोनों से गहन पूछताछ जारी है। उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी मान सिंह, बसई नवाब चौकी प्रभारी गज्जन सिंह, हेड कांस्टेबल सोनवीर, कांस्टेबल उमेश कुमार, गौतम कुमार, मनोज कुमार आदि उपस्थित थे। राम राम किशन भैया। राम 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 भैया। आओ यो बताओ कब की खात बीज कांते ले यार। अरे यार जब अपनों दुगे खाद बीज भंडार खुलेगा हुए तो कितने अंत तक क्यों लेंगे। वहाँ बढ़िया तो रेट मिल रही है और सब कंपनी की वैरायटी मिल रही है और भरोसेमंद आदमी है। राजाखेड़ा रोड पे थे जो तगावली मोड़ होते हुए नहीं, वहीं दुबे खाद बीज भंडार खुलेगा हुआ है। तो अब की भैया हम तो दुबे खाद बीज भंडार पे ही ले रहे हैं। तू बता। पर वो तो सब ठीक है यार, पर दुकान तो नहीं है यार भैया। ये बात तो बिल्कुल तेरी सही है कि दुकान तो नहीं है, पर तो यूँ पता होनी चाहिए कि बिनके मोड़े ने कृषि विषय में ही तो पढ़ाई लिखाई करी है और बनवारी बोरे मनीराम के पुरावा ने कोई एक मोड़ा कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर होएगा हुआ है और बिनको मोड़ा एक खाद बीज की कंपनी में बड़ी पोस्ट पर लगा हुआ है। तो म्यो कहो तो जी है कि बिने दूसरे से ज़्यादा खेती बाड़ी के बारे में, आधुनिक खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी है। ठीक है भैया, तो अब हम महीने लेंगे और अब की तो दुबे खाद बीज भंडार पे ही चलेंगे। ठीक है भैया, बिल्कुल संग ही चलेंगे। दुबे खाद बीज भंडार, राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर, सतीश दुबे, मनीराम का पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9610079879 पे।
युवा जागृति राष्ट्रीय अवार्ड से जयपुर में विवेक कुमार को किया सम्मानित। मानवता व परोपकार के लिए समर्पित समर्पण संस्था की ओर से दुर्गापुरा स्थित सियाम ऑडिटोरियम में आयोजित समर्पण समाज गौरव अवार्ड समारोह में देश भर से चयनित 57 विभूतियों को 15 श्रेणियों में समर्पण समाज गौरव 2023 और 18 युवा प्रतिभाओं को समर्पण युवा जागृति 2023 अवार्ड से समाज में उनके द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के धौलपुर जिले में रहने वाले विवेक कुमार सन ऑफ राम निवास का चयन युवा जागृति अवार्ड में हुआ, जो धौलपुर में युवाओं के लिए एक संस्था चला रहे हैं। यूथ कल्याण संस्था, यह संस्था युवाओं के लिए काम करती है, धौलपुर के प्रतिभाशाली बच्चों को मंच देती है। संस्था का मेन मकसद है कि धौलपुर जिले में छुपे हुए बच्चों के अंदर के टैलेंट को बाहर निकालना। संस्था धौलपुर में कई प्रोग्राम करवा चुकी है और कई बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी हो चुकी है। इसी बीच समर्पण संस्था द्वारा 22 अक्टूबर को जयपुर में संस्था अध्यक्ष विवेक कुमार और उसके टीम मेंबर्स जयपुर पहुंचे और युवा जागृति राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया। विवेक कुमार, सचिन शर्मा, चीनू कुशवाहा, निशा शर्मा, लक्ष्मी मंगल आदि टीम मेंबर भी शामिल रहे। एवीवीपी के द्वारा सेवा बस्ती में दुर्गा नवमी पर कन्या पूजन का कार्यक्रम हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा SFS के तहत सेवावस्ती मचकुन रोड पर नवदुर्गा के नवमी पर कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर SFS सह संयोजक प्रदीप कुमार ने उनके माथे पर रोली, चंदन आदि का तिलक लगाया, कन्याओं को दक्षिणा प्रदान कर आशीर्वाद लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता एवं नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र घुरैया ने सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे सनातन धर्म में मातृशक्ति की बहुत भूमिका है। इस मौके पर नगर मंत्री योगेश मीणा ने बताया कि एवीवीपी मानव सेवा को सर्वोच्च रखती है, इसलिए सेवा की गतिविधियों को संपूर्ण वर्ष आयोजित करती है। इस मौके पर जिला संयोजक धीरेंद्र कुशवाहा, जिला संगठन मंत्री रोहित चतुर्वेदी, जिला मीडिया संयोजक अंकित सेन, जिला कार्यालय मंत्री विकास, नगर सहमंत्री अरुण चौधरी, नीरज शर्मा, आकाश दिवाकर, अंकित सेन, अमन बघेल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस स्वतंत्रता दिवस बेहतरीन मॉडल्स, बेहतरीन डिस्काउंट और बेहतरीन ऑफर्स के साथ स्वतंत्रता दिवस पर अपडेटेड मॉडल्स पर 3,999 रुपए तक की छूट पाए। नवीन इलेक्ट्रा प्रो मॉडल पर 4,999 रुपए की भारी छूट, आपके बजट के अनुसार इलेक्ट्रिक गाड़ियां। रियटू इलेक्ट्रिक स्कूटी, एटम का अपडेट मॉडल एटम प्रो, न्यूट्रेन का अपडेट मॉडल न्यूट्रेन प्रो, नया मॉडल इलेक्ट्रा प्रो। आज ही संपर्क करें, अपनी स्कूटी बुक कराएं और डिस्काउंट का लाभ उठाएं। हमारा पता है बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9610079879 और 8619490342। घर घर करवाया कन्या लांगुरों को भोजन। पूरे जिले भर में आज शारदीय नवरात्रि के नवमी के दिन घर घर कन्या लांगुरों को भोजन करवाया गया और भक्तों के द्वारा अपने व्रत का समापन किया गया। वहीं मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं इसी क्रम में ही सरमथरा कस्बा में भी घर घर कन्या लांगुरों को भोजन करवाया गया। साथ ही हमारे चंबल प्रभा न्यूज रिपोर्टर विष्णु कुमार सोनी के द्वारा भी प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला अत्याचार आदि रोकने के संकल्प के साथ उन्होंने व्रत रखा और कन्या पूजन कर व्रत का समापन किया। साथ ही आमजन से भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लेने की अपील की। साथ ही हमारे रिपोर्टर ने कहा कि नवरात्रि साधना और उपासना का पर्व है और इसमें मां भगवती के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हीं में से एक रूप मां भगवती दुर्गा का कन्या का रूप है। साथ ही कहा कि यही हमारे मन के अंदर की भावना साफ नहीं है तो व्रत रखने का भी कोई महत्व नहीं है, इसलिए हमें सच्चे मन से मां की आराधना करनी चाहिए। घर घर जिमाई कन्या लांगुरिया, हवन एवं पूजा अर्चना के बाद कन्याओं को कराया भोजन।
जिले भर में नव दुर्गा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने 9 दिन का उपवास के बाद कन्या एवं लांगुरिया को भोजन हलवा पूड़ी चना कर, वहीं कन्या एवं लांगुरियाओं ने जोर से बोले जय माता दी के जयकारे लगाए। धौलपुर जिले में रहना वाली माता, जोर वाली माता, चावड़ माता, काली मैया माता, मनसा देवी, जिजुआ वाली, संतोषी मैया, विजयसेन एवं गंगाबाई की बगीची पर कन्या एवं लांगुरिया को बड़े ही प्रेम एवं श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया गया। वहीं पंडितों के द्वारा विधि विधान से माता रानी का हवन एवं पूजा अर्चना के बाद भेंट लांगुरिया आदि सुनाए गए। शाम के समय माता रानी की मूर्तियों का विसर्जन गाजे बाजे के साथ किया गया। वहीं धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। एसआर अभियान के द्वारा 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। एसआर अभियान के द्वारा जगदीश टॉकीज स्थित आशु भाई ट्रेनिंग सेंटर में 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में राजन गौतम व मानसिंह ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को नरेगा, पेंशन, गिग वर्कर, शहरी रोजगार व जागरूक करना व नरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जिसमें करीब 30 युवाओं व महिलाओं ने आवासीय प्रशिक्षण में भाग लिया, जिसमें युवा सारंश अग्रवाल ने बताया कि यह अभियान पूरे भारतवर्ष में बहुत ही विशाल तरीके से चल रहा है। यह अभियान बहुत बड़ा अभियान है। इस मौके पर गीता, विनय, सुमन, नवल, ऋषि, अंगूरी, सुनीता आदि लोग मौजूद रहे।